करवा चौथ का व्रत बहुत ही पावन व्रत है जो कि पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है और अगर आप भी करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से रखती हैं और चाहती हैं कि आपके व्रत रखने से आपके वैवाहिक जीवन और घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहे तो पूजा के वक्त वास्तु से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ दिशाओं से संबंधित जानकारी रखनी होगी कि पूजा किस दिशा में करनी चाहिए और किस दिशा में आप पूजा को रखें, कहाँ पे पूजा करें, तो जिसका आपके वैवाहिक जीवन पे बहुत असर आता है। तो चलिए जान लेते हैं कि वह चीज़ें क्या हैं, वह जानकारी क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है कि क्योंकि करवा चौथ की शुरुआत हम लोग सरगी से करते हैं तो जब भी सरगी या इसको व्रत का भोजन भी कह सकते हैं तो जब ये लेते हैं तो जो भी हम भोजन करें इस समय वो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठें तभी सरगी को ग्रहण करें, तो जिससे क्या होगा कि आपको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा उससे मिलेगी जिससे आप करवा चौथ का व्रत बहुत ही आसानी से रख सकेंगी। दूसरा ये कि करवा चौथ के दिन दोपहर के समय दक्षिण पूर्व दिशा में आपको ज़्यादा समय बिताना चाहिए क्योंकि ये कोना जो होता है ये अग्नि का कोना होता है और ये समय आप परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ पर बैठ के बिताएं तो आपको काफ़ी लाभकारी होगा। तीसरा ये कि कथा के बाद जो भी समय आपके पास बचता है, जो भी शेष समय बचता है वो अपने पति के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में बिताएं। आप जो भी उनसे बातचीत करती हैं वो दक्षिण पश्चिम दिशा में बैठकर करें, इससे आप और आपके पति के संबंधों में प्यार बढ़ेगा। चौथा ये कि करवा चौथ के इस व्रत के समय जब चंद्रमा को जल चढ़ाएं तो खास ध्यान रखें कि आपकी दिशा उत्तर पश्चिम होनी चाहिए, यानी कि जब आप चंद्रमा को जल अर्पित करती हैं, अर्घ्य देती हैं, तो उस समय आपका मुंह की जो दिशा होगी वो उत्तर पश्चिम होनी चाहिए। करवा चौथ की पूजा करते समय अगर आपका मुंह उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर हो तो इससे पूजा और व्रत दोनों का फल जरूर मिलता है, तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। पांचवा और अंतिम, करवा चौथ की पूजा के लिए घर में बने मंदिर या हॉल का ही प्रयोग करें। आप जहाँ पे भी पूजा का अपनी अल्पना रखती हैं, पूजा की जो चौक बनाती हैं वो मंदिर के पास ही बनाएं या हॉल में बनाएं।